तुषार बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कहते हैं ना कि गिरता है वही जो गिरकर संभलता है, उसी को कहते हैं ना शहसवार कहते हैं, मतलब जी। वही एग्जांपल है। कुछ समय पहले की बात है कि मतलब रीसेंट है, हिम्मत हार चुके थे आप और आज देखिए आपके शो में लोग आ रहे हैं। हाँ। तो ये एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हमारे लिए भी है। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जो आपने कहा एक्चुअली वो बहुत सही कहा। गिरते हैं सहसवार ही मैदान-ए-जंग में। जंग और जिंदगी दोनों में गिरा भी था और उठ के चलने की कोशिश भी करी थी और फिर गिरा था। एंड टुडे आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट गिव अप। एंड यू नो वन थिंग दैट आई जब बिग बॉस हुआ था तब भी मैं एक चीज़ मैंने मेकर से भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं अंदर भी जाके बात करना चाहूँगा। वो एक ऐसा समय था जब हमारी कंट्री में हमने एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को खो दिया था। इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा कि क्यों खोया था, बट फेलियर्स के बारे में बहुत कम बात की जाती है। हम सब लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं और उसमें कभी कभी बहुत अच्छा टैलेंट गायब हो जाता है। वो फेज़ मैंने देखा है। आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, बट दे से गॉड इज़ काइंड एंड दैट्स व्हेन बिग बॉस हैपेंड डिस्कवर्ड। दैट सेम टाइम मिर्ची हैपेंड एंड द जर्नी हैज स्टार्टेड। इन फैक्ट इट्स न्यू एंड ऑनेस्टली यू नो बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा था, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जो मुझसे ज़्यादा काम कर चुके हैं। मुझसे कुछ लोग काफ़ी बड़े हैं उम्र में, कुछ लोगों का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी और जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे आइडल हैं कपिल शर्मा, जिन्होंने पहले कहा जाता था कि आप एक कमेडियन हैं और आज एक फिल्म स्टार मरता है कपिल शर्मा के शो पर जाने के लिए। तो मैं हमेशा से उनको अपना आइडल मानता आया हूँ। आज पहली स्टेप मुझे मिल गई है कि रेडियो पे एक शो का नाम मेरे नाम पर डेडिकेट हो गया है एंड आई होप कि मैं रेडियो और टीवी की ये गैप जो है वो बंद कर दूँ, ब्रिज कर दूँ, बिकॉज कपिल हैज़ शोन दैट इट इज़ पॉसिबल। इंटरनेशनली एलन ने ये करके दिखाया है, रायन सीक्रेस्ट ने ये करके दिखाया है। सो दैट इज़ द गोल एंड आई एम हैप्पी दैट पहली स्टेप हो गई आज। सुबह से एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप, खुश, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट आज पीछे पलट के देखते हैं तो कुछ अपने आप को कहना चाहेंगे, फर्स्टली अपने आप से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं आप। अपने आप से ये कहना चाहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ ही महीने पहले एक्चुअली यही समय था फेब मार्च का जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। आई हैड गिवन अप ऑन लाइफ एंड जेन्युइनली थिंग्स कैन चेंज। आप सब लोग शायद मेरा नाम भी नहीं जान पाते एक साल पहले, भले ही मैंने काम किया हुआ था, और एक साल के बाद आज हम बैठे हैं अक्रॉस द टेबल एंड टॉकिंग। तो यही कहना चाहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नॉट टू मी बट टू एवरी गाय आउट देयर एंड एवरी गर्ल आउट देयर जो ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो गई है कहानी। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। वेल, शार्दुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ लाइक फैमिली एंड इससे पहले भी रेडियो कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन कर चुके हैं। आई थिंक ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रेडियो शो एंड आई थिंक ही इज़ बैक टू वेयर ही बिलोंग्स। फाइनली एक होता ना कि जंगल का राजा जब फिर जंगल आ जाता है। सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू डू एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बॉन्डिंग को लेकर क्या, आई मीन जस्ट दोस्त हैं और दोस्तों को तो हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए एंड खास करके तब जब दोस्त वैसे ऐसे माहौल में कदम रख रहा है जहाँ की उसकी एक्सपर्टीज हैं। So I think he does not need my blessings or anybody's blessings because I think वो अपने आप में talented enough है, but as a friend I'll always wish the best for him. You know this is his arena, यहीं से बड़ा हुआ है, यहीं इसने सब सीखा है। तो शार्दुल की energy ही change हो गई थी the moment हमें confirmation मिला था that he's going back to where he belongs. उसकी body की energy, उसकी बातों की energy. And he's fabulous. He has a gift of gab. वो इतनी अच्छी बातें करता है, उसके पास भाषा इतनी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों इतनी साफ बोलता है। Wit उसका, humor इसका बहुत अच्छा है, at par with Karan. Their banter is amazing if you look at. तो बाकी आरजे तोतले हैं क्या, इतनी साफ बोलता है मतलब? अरे पर एक कमांड होता है, अच्छी बोलता है वो ना, साफ बोलता है, बाकी तोतले थोड़ी अच्छी बोलता है, उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो इंदौरी है तो मध्य प्रदेश ही हिंदी अलग होती है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उसको जो चाहिए था लाइफ में वो मिल गया है, अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आगे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर शार्दुल। इस शो के बारे में हमने बिग बॉस के घर में ही बात करना शुरू किया था
एंड तभी से एक कॉन्सेप्ट शार्दुल के दिमाग में था, उसने मुझसे काफ़ी सारी बातें की थी इस बारे में, बट आज वो विजन जो था शार्दुल का वो एक रियलिटी बन गया. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर शार्दुल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते हैं और फिर उसको हकीकत में बदलते हैं. सो डेफिनेटली डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ प्राइड शार्दुल के लिए, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम विद माय होल हार्ट. शार्दुल इज मेंट फॉर दिस. मतलब शार्दुल कुछ भी करना बंद कर सकता है लेकिन बात करना बंद कभी नहीं कर सकता. तो अब मैं बेचारे शाना शार्दुल की हालत देख के मुझे लग रहा है ये बेचारा शार्दुल बन चुका है. सो आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट एंड आई विश हिम ऑल द लक इन हिज लाइफ एंड हैव अ सक्सेसफुल शो. सेम आई आल्सो वांट द सेम थिंग. मुझे लगता है जो बिग बॉस में नहीं वो दिखा पाया अब वो सारी कसर यहाँ पे उतारेगा. लाइक अब इतना बोलता है कि चुप ही नहीं होता है. मतलब वही अगर बिग बॉस में कर लेता, बट एनीवेज देयर इज ऑलवेज बिग बॉस में भी करा, बट ठीक है मैं नहीं था तुम्हारे सीजन में, मुझे नहीं पता. हाँ एनीवेज, बट आई जस्ट विश हिम ऑल द लक एंड आई एम वेरी प्राउड कि उसके खुद के नाम पे शो आया है. दैट्स अ वेरी बिग एंड प्राउड मोमेंट. ये मैंने इसे गाड़ी में बताया था. जेब रहा है. आई थिंक शार्दुल इज अ वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल बिकॉज जो भी जिस फेज से वो निकला है, उसकी चाहे उसकी हेल्थ के बारे में बात हो गई या उसके पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में बात हो गई, तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है टू गो अहेड इन लाइफ. मतलब अगर कोई भी नाजुक सा इंसान होता, आइदर यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज इन आई इंडस्ट्री, और या फिर लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, या शार्दुल भी गए थे. शार्दुल ने एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी और वो गए थे. बट आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस मैन दैट ही सैट विद हिमसेल्फ एंड ही केम बैक. So happy, heartiest congratulations, you know, because I know him very well and I know कि उन्हें इतनी you know दिक्कतें भी हुई है, तो after a low there's always a high and I'm so happy for him. I think as a friend तो शार्दुल को मैं कई time से जानता हूँ और शार्दुल इतना बड़बड़ करता है ना, I think ये perfect job थी उसके लिए हमेशा से, और इसलिए ये पहले भी यही काम करता था और I'm very happy for him. I think उसका जो फेज आया था उससे वो काफ़ी अच्छी तरह बाउंस बैक किया है एंड आई जस्ट विश एंड होप दैट ही बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट आरजेस दैट वी हैव इन बॉम्बे. एंड ही इज रादर एक्चुअली. जब मेरी मुलाकात पहली बार शार्दुल से हुई थी वो दुबई में थी एट अ शो एंड ही वाज एन आरजे ओनली एंड आई थिंक दैट्स हिज स्ट्रेंथ. इट्स अप हिज स्लीव. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज बैक टू आरजे एज वेल. आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू सी शार्दुल ऑन द स्क्रीन ऑफ बिग बॉस बिकॉज आई वाज फॉलोइंग बिग बॉस सिंस डे वन एंड मुझे बहुत अच्छा लगा शार्दुल को देखकर एंड मुझे और डीपली पता चला शार्दुल के बारे में बिकॉज वी वर को एक्टर्स इन वन ऑफ द शो एंड दैट टाइम ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सेट यू डोंट गेट टू नो ईच अदर दैट मच. सो मुझे लाइक आई गॉट टू नो हिम क्वाइट पर्सनली थ्रू द शो. ऑफकोर्स लाइक ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो इस फेस से गुजरे होंगे एंड स्पेशली जो बाहर से आके मुंबई में यू नो कुछ करना चाहते हैं. लाइक मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, लेकिन मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि वो कितना मुश्किल है. एंड शार्दुल एक ऐसा एक्टर है जिसने अपनी कंडीशन ओपनली सबके सामने रखी एंड ही बिकेम एन इंस्पिरेशन. यू नो ही डिड नॉट गिव अप. वो रिटर्न आए, उन्होंने स्टैंड बाई किया और मेहनत की और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एंड आई रियली लुक अप टू हिम. आई थिंक अभी मैंने उसको यही बोला कि अगर टीवी ऑन करो तो भाई आप दिखते हो, अभी सोशल मीडिया ऑन करो तो आप दिखते हो, अब तो रेडियो चैनल भी ऑन करो तो भी आप ही की आवाज़ आती है. तो आई थिंक ही इज़ डूइंग रियली गुड फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी. आई थिंक वो उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी का हर जगह यूज़ करके. तो आई थिंक इट्स वर्किंग वेल फॉर हिम एंड आई थिंक पीपल आर ऑल्सो लविंग इट. सो आई एम लविंग इट. ही इज़ टू गुड. आई थिंक मैंने शार्दुल को एज एन एक्टर जाना है, एज अ होस्ट जाना है और अब आरजे बन चुका है. आई मीन आरजे वो पहले भी था लेकिन मैंने साक्षात उसके वो आरजे परफॉर्म करते हुए देखा है आज एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ हिम. एंड जब उसने बोला कि पूजा तू आएगी क्या, मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं, हम दोनों आएंगे. एंड आर बेस्ट विशेज टू शार्दुल एंड प्लीज़ आप लोग सब भी उसका शो देखिए सुनिए क्योंकि ये दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है. यार बहुत एक्साइटेड था. शाना शार्दुल शो आ रहा है मेरे भाई का, शार्दुल भाई का. इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड गिवन मी लॉट्स ऑफ लव जब से मैं बॉम्बे आया हूँ. सो आई हैड टू बी हियर. थोड़ी देर में मेरा शूट है बट आई हैव वांटेड टू मार्क माय प्रेजेंस एंड देन आई एम जस्ट लीविंग फॉर वर्क. कैसा रहा, यू नो जॉकी कौन था ये, जी जी
भाई बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा, और जब भी आप अपने करीबी लोग से मिलते हैं शार्दुल भाई तो बहुत ही करीब, तो आप एक वॉर्म फील करते हैं ना, आई नो द दिन बहुत अच्छा बीतेगा क्योंकि शुरुआत बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेक्टिव हो गई।